हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सके। तो गाइस, ये कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो नहीं है, ये मेरा रियल पार्टी मेकअप लुक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कहीं पार्टी में जाने से पहले तुरंत निकाल लाने के लिए ये फेस पैक मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं लगाकर पार्टी में जाऊँगी। तो वो मैंने DIY आप लोगों के साथ शेयर कर दी और उसके बाद उसी दिन मैं शाम को मैं रेडी होके गई थी। मैंने वो वाला पैक लगाया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो मुझे तुरंत थोड़ा सा अपने फेस पे ग्लो चाहिए था, इस वजह से मैंने वो पैक लगाया, आप लोगों के साथ शेयर किया। सेकंड मैं ये लुक क्रिएट करके पार्टी में गई हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको बाद में लगे ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ पार्टी का भी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है क्लिंजिंग मिल्क हिमालय का, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और फिनिश होने वाला है क्योंकि अधिकतर मैं इसी को यूज करती हूँ। तो आपको सबसे पहले फेस वॉश करना है, उसके बाद अच्छे से आपको अपने फेस को क्लीन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें दिखा रही हूँ जिस तरीके से मैं गई थी। और उसके बाद मैं गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इससे आपके फेस पर ग्लो भी आ जाता है। इसको मैं इसी तरह लगा के छोड़ दूंगी, ये जब मेरी स्किन में अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाएगा उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी लैक्मे का मॉइस्चराइजर। लैक्मे का मॉइस्चराइजर बजट में है, 150 में आपको आराम से मिल जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। और इसको लगा के मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए हमारी स्किन में, उसके बाद हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब हमारा ड्राई हो चुका है, इसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर जो बजट में है, आपको 250 में आराम से मिल जाता है। तो इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है इस तरीके से। 2 मिनट के बाद आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है और अभी 2 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ मेबलिन फिट मी और इसको मैं अच्छे से पूरे अपने फेस आई सब पे लगा लूँगी और कंसीलर नहीं लगाऊंगी। इसी को मैं एज अ कंसीलर आई पे भी अप्लाई कर ली हूँ और एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ धीरे धीरे से। आपको अच्छे से ब्लेंड करना है धीरे धीरे से ताकि आपका फेस अच्छा दिखे, केकी ना दिखे। अगर केकी रहेगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे से ब्लेंड करना है, थोड़ा सा टाइम लेना। ये देखिए, और जैसा मैं लुक क्रिएट करती हूँ सेम उसी तरीके से ये देखिए मैं खुद का भी मेकअप कर रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे का फेस पाउडर यानी कि कॉम्पैक्ट, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। यहाँ पे बाबू बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी इसीलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं की क्योंकि उसे बार बार इधर उधर कर रही थी। उसके बाद मैं ले रही बिल्ट इन वाइट का आई शेडो पैलेट, उसमें से मैंने ये वाला सेड पिक किया है और एक फिंगर्स की हेल्प से अपने आईलेट पर जस्ट लगा रही हूँ। गोल्डन शेड है, सिमर में है, शाइन है, दोनों ही आईलेट पे आपको अच्छे से लगा लेना। पहले मैं फर्स्ट वाली आईलेट पे लगा रही हूँ, इसके बाद हमें सेकंड वाली आईलेट पे लगाना है इस तरीके से। ये देखिए, और काफ़ी अच्छा लुक आता है आई मेकअप सिंपल तरीके से। आप इसी तरीके से कोई भी कलर पिक करके आराम से कर सकते हो। इसके बाद फिर मैं ये वाला थोड़ा सा सेट पिक कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बीचों बीच में अपने आईलेट पर लगाऊंगी। ये देखिए हल्का सा इस तरीके से, ये देखिए बीचों बीच में अप्लाई कर लेना और काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा आपको। और कुछ भी नहीं करना है, दोनों ही आईलेट भी सेम इसी तरीके से करना है, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा और लुक भी अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ NYV का लाइनर जो बजट में 52 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही लाइनर लगाऊंगी, ज़्यादा मोटा नहीं लगाऊंगी, ज़्यादा पतला नहीं लगाऊंगी, जिस तरीके से मुझे पसंद है सेम उसी तरीके से मैं लगाऊंगी। आप देख सकते हो इतना ही लगाना है और दोनों ही आई में अच्छे से लगा लेना है आपको। बाबू पीछे देखिए कितनी मस्ती कर रही है। और मोर्फी का पैलेट, जैसा कि आपको पता है कि मैं आईब्रो को फिल करने के लिए इसी को लेती हूँ, तो ये थोड़ी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, बट पार्टी में जाना है तो 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे के लिए तो इनफ है। तो इसको हल्के हल्के से, ये देखिए ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं लगा रही हूँ। और बाबू को भी देखिए किस तरीके से देखती है, और जब देखती है कि मेरी नज़र बिल्कुल मतलब कि मैं मेकअप में बिज़ी हूँ, तो तुरंत फटाक से अपना काम करने लगती है। तो दोनों ही आईब्रो को अच्छे से फिल करना है, उसके बाद हम सेट कर लेंगे। और इसके बाद मैं ये ब्राउन वाला सेट पिक कर रही हूँ ब्राउन्जर के लिए। जैसा मैंने बताया कि ब्राउन्जर करने से हमारा फेस का शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो इस तरीके से मैं छोटू से ब्रश से अच्छे से अपने फेस को ब्राउन्जर कर लूँगी दोनों ही साइड में। पहले मैं चिक में कर रही हूँ, ये देखिए जहाँ जहाँ ब्राउन्जर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं अच्छे से कर लेती हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कर रही हूँ ताकि जो हमारा फैटी फैटी सा दिखता है वो ना दिखे। हल्का हल्का सा आपको अप्लाई कर लेना है जस्ट, और फोरहेड के पास थोड़ा सा अप्लाई करना है क्योंकि अगर आपका फोरहेड काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है तो आप अपने फोरहेड को थोड़ा सा पतला दिखा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा लगाऊँगी, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी।
अच्छे से आपको ब्राउनज़र लगा लेना है। और इसके बाद हम नोज़ पे लगाएंगे, आप चाहो तो फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है। तो चलिए मैं आपको फिंगर की हेल्प से भी बता देती हूँ। और इसके बाद ये देखिए, इस तरीके से आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और जहाँ आपको कम लगे वहाँ लगा लीजिएगा। मैं फिंगर से थोड़ा थोड़ा सा लेके इस तरीके से शेप दे रही हूँ अपनी नोज़ को। इससे आपकी नोज़ अच्छी दिखती है, फैली फैली सी नहीं दिखती है दोनों ही साइड में। और इसके बाद मैं ले रही हूँ एनवाइवे का कंसीलर, इसको मैं अपने नोज़ पे हाईलाइट करने के लिए लगा रही हूँ और फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी सिंपल पार्टी मेकअप लुक है, आप आराम से करके जा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत दिखोगे। तो इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है, ये देखिए। और इसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे का काजल, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। जैसा कि आपको पता ही, मैं बार बार बताती हूँ लैक्मे का क्या है। लैक्मे का काजल और एनवाइवे का काजल दोनों बजट में ही है। तो पहले तो अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो मेरे लिए लैक्मे, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद मैं ले रही स्विस ब्यूटी का पैलेट, उसमें से मैंने हाईलाइटर सेट पिक किया है, अपने इनर कॉर्नर पर लगाया, उसके बाद आईब्रो के थोड़ा सा नीचे लगा रही हूँ हाईलाइट करने के लिए। और इसके बाद नोज़ पर मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ जस्ट, और कहीं पर नहीं लगाऊंगी मैं हाईलाइटर बस। और इसके बाद मैं पिंक वाला सेट पिक कर रही हूँ हाईलाइटर पैलेट में से, तो ये ब्लशर का भी काम करेगा और हाईलाइटर का भी काम करेगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए अगर आप ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते हैं, तो अगर हाईलाइटर नहीं लगाना चाहते तो ये वाला सेट पिक करके लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीटी दिखेंगे। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा, जो मैंने लिया था अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, मुझे याद नहीं, बजट में 100 रुपीज़ में आराम से आपको मिल जाता है। तो मैं एक कोड ही लगाऊंगी, एक कोड में इनफ है मेरे लिए, इतना ज़्यादा नहीं लगाना है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ एजावेला डार्लिंग की लिपस्टिक, मेरा सेड है 8, तो इसको मैं इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। ये देखिए, फटाफट से आपको अप्लाई करना, बहुत ही अच्छी है, फुल मैट है ये। तो यहाँ पे मैंने लिप ग्लॉस नहीं लगाया, अगर लिप ग्लॉस लगाओगे तो बहुत ज़्यादा मैट है, तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है, ये देखिए। तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, बट इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लिपस्टिक का पिंक शेड लगा रही हूँ, इसका मुझे सेट नहीं याद है, ना ही दिखा मुझे। तो इस तरीके से आपको लगा लेना, अप्लाई कर लेना, यानी कि ये देखिए अच्छे से ऊपर नीचे। पहले मैं अच्छा सा शेप दूंगी, लाइनर टाइप का बनाऊंगी, ताकि हमारा जो हमने पहले नीचे वाली लिपस्टिक लगाई थी तो वो अलग ना दिखे, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा वाला पिंक शेड है, बहुत ही खूबसूरत है, ये मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है ये वाला पिंक, ये देखिए। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक। लिपस्टिक लगाने के थोड़ी देर के बाद मैट हो जाती है आपकी लिपस्टिक, तो यहाँ मेरी लिपस्टिक मैट हो चुकी है। तो कैसा लगा मेरा लुक ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।